ने तैनात कर दिए सीमा पर दो ऐसे महाबली जो मात्र 15 सेकंड में चीनी सेना को करवा देंगे सरेंडर। चीन की सबसे कमजोर नस पर भारत का शक्तिशाली प्रहार। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, जल्द ही यूक्रेन युद्ध और भड़क सकता है और यही हुआ है। क्रेमलिन पर हुए हमले ने यूक्रेन युद्ध को परमाणु तबाही की ओर धकेल दिया है। पुतिन कभी भी यूक्रेन पर न्यूक्लियर मिसाइलें दाग सकते हैं। वहीं इधर चीन भी ताइवान और भारत के अरुणाचल प्रदेश लद्दाख में घुसपैठ करने के लिए तमाम तरह की रणनीतियां बना रहा है, षड्यंत्र कर रहा है। और दोस्तों, इसी फहरिस्त में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को कुछ इनपुट्स मिले हैं, जिनके मुताबिक चीन भारत के इलाके में कभी भी घुसपैठ कर सकता है और युद्ध के लिए उकसावे वाली हरकत कर सकता है। और दोस्तों, इसी के बाद भारतीय सेनाएं चीन के खिलाफ मुस्तैद हो चुकी हैं। इसी क्रम में भारत ने चीन को लेकर अपनी पूर्ववर्ती तैनाती को अपडेट करते हुए वहां पर ऐसे दो महाबली तैनात करने का काम शुरू कर दिया है, जिनके नाम से ही चीन कांप उठता है। इनमें से एक तो पूरी दुनिया के लिए अमोघ है और दूसरा भारत का सबसे लेटेस्ट हथियार है, जिसका मुहूर्त ही चीन की बर्बादी के साथ होने वाला है। ये दोनों ही हथियार चीन की सेना के सामने तैनात होने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इनमें पहला हथियार है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और दूसरा है K9 वज्र तोप। इन दोनों की ताकत इतनी ज्यादा है कि चीनी सेना इनके नाम से ही कांप जाती है। सबसे खास बात तो ये है कि ब्रह्मोस को ऐसी पोजीशन पर तैनात करने का प्लान बनाया गया है, जहां से ब्रह्मोस की रडार पर चीन के सबसे कमजोर नस रहेगी। और दूसरा, भारत का K9 वज्र तोप को तैनात करना चीन को चिंता में डाल दे रहा है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं आखिर भारत की रणनीति क्या है, जिसके एक फायर होते ही सैकड़ों चीनी होंगे राख। ऐसी महाबली तोप को भारत लेकर आया LAC पर। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे K9 वज्र तोप की। K9 तोप की ताकत के बारे में बात करें तो जैसे पौराणिक कथाओं में वज्र को इंद्र देवता का अस्त्र कहा गया है, ठीक वैसे ही आज कलयुग में भारत के पास एक ऐसा वज्र है जो देश की सीमा पर नापाक नजर रखने वाले किसी भी दुश्मन को करारा जवाब दे सकता है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इसकी ताकत क्या है। दरअसल इंडियन आर्मी के शक्तिशाली K9 वज्र तोप के प्रहार से बचना दुश्मन सेना के लिए असंभव है। ये दुश्मन को मटिया मेट कर देता है। ये तोप भारत के शूरवीरों का विजय पथ है। दोस्तों, K9 वज्र में तोप और टैंक दोनों ही खूबियां हैं। इसमें आर्टिलरी यानी तोप खाने की रेंज और ताकत है, जो 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक दुश्मन का कोई भी ठिकाना तबाह कर सकती है। इसमें टैंक के पावर पैक्ड फीचर भी हैं। K9 वज्र आर्मर्ड यानी टैंक की तरह किसी भी तरह के मैदान में तेजी से ये चल सकता है, इसीलिए इसे दुनिया के सबसे आधुनिक और हाईटेक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी में शुमार किया जाता है। तोप खाना 35 से 40 किलोमीटर दूर से भारी गोलीबारी करके दुश्मन को मोर्चों और उसके हौसले दोनों को तोड़ देता है। तोपों को युद्ध भूमि में सही जगह पर ले जाना काफी अहम होता है। इन्हें सेना की गाड़ियों के पीछे खींच कर ले जाना पड़ता है। वहीं बोफोर्स तोप में शूट एंड स्कूट की सुविधा है, यानी वो फायर करने के तुरंत बाद अपनी जगह छोड़ देती है। दोस्तों, भारतीय सेना के लिए सबसे शक्तिशाली माने जा रहे इस युद्धक टैंक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2020 को सेना को सौंपा था। तब उन्होंने कहा था कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बने K9 वज्र टैंक हमारे देश की सरहदों पर तैनात होकर उसे महफूज रखेंगे और जरूरत पड़ने पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम होंगे। यूं मान लीजिए कि ये अकेला ऐसा हथियार है जो मात्र 15 सेकंड में चीनी सेना को सरेंडर करवा सकता है। इतनी ज्यादा ताकत है इसमें।
अब LAC पर चीन से चल रही तनातनी के बीच भारत ने पूर्वी लद्दाख में अपनी K9 वज्र तोपों को तैनात कर दिया है। इन K9 वज्र होवित्जर तोपों को लद्दाख के ऊंची पहाड़ी इलाके में 12,000 से लेकर 16,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात किया गया है। ये तैनाती इन तोपों की ऊंचे पहाड़ी इलाकों में चीन के खिलाफ मारक क्षमता परखने के लिए की गई है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन है, यानी इन तोपों को किसी ट्रक या किसी दूसरी तरह से खींचने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि इनमें टैंक की तरह व्हील लगे होते हैं और खुद रेगिस्तान और पहाड़ों तक में दौड़ सकती है। इस तोप की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है, लेकिन पूर्वी लद्दाख में 16,000 फीट की ऊंचाई वाले इलाकों में इसने सफलतापूर्वक 50 किलोमीटर तक की दूरी तक मार की है, जो बहुत ज्यादा है और चीन के पास इसका मुकाबला करने की क्षमता नहीं है। इसके अलावा K9 वज्र स्वचालित तोप दक्षिण कोरियाई होविट्जर K9 थंडर का भारतीय संस्करण है। ये तोप जीरो रेडियस पर चारों तरफ घूमकर हमला कर सकती है, यानी कि ये एक रेडियस पर घूमकर 360 डिग्री पर वार कर सकती है, जिससे चारों दिशाओं में एक साथ वार करके दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती है। 5 mm x 52 कैलिबर की 50 टन वजनी इस तोप से 47 किलो का गोला फेंका जा सकता है। ये सड़क और रेगिस्तान पर संचालन के साथ 15 सेकंड में 3 गोले दागने में सक्षम है। इतना ही नहीं, अगर चीन भारत पर केमिकल हमला करता है तो ये K9 वज्र तोप के अंदर बैठे सैनिक हर तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर बोली लगाकर K9 वज्र के लिए 4,500 पाउंड साउथ कोरिया को देकर इसकी तकनीक को खरीद लिया गया है। LAC पर एक्टिव मोड में तैनात हुई ब्रह्मोस मिसाइल, वो मिसाइल जिसके हमले को विश्व में कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, K9 वज्र तोप के अलावा अब बात करते हैं ब्रह्मोस की, जिसे भारत ने सीमा पर इसके एक्टिव मोड पर तैनात कर दिया है, जिससे चीन घबराया हुआ है। इसके साथ ही भारत कितनी ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप कर चुका है, ये बात भी चीन के लिए बहुत बड़ी टेंशन है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत इतनी ज्यादा है कि वो S-400 जैसी मिसाइल का सामना आराम से कर सकती है। इसके अलावा ये इतनी शक्तिशाली है कि इसे ऑपरेट करने के लिए खास तरह के रेजिमेंट को तैयार किया गया है। वैसे ब्रह्मोस की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है, लेकिन निर्यात किए जाने वाले ब्रह्मोस का रेंज 290 किलोमीटर है, क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के तहत 300 किलोमीटर के भीतर ही ये रेंज रखने की पाबंदी है। दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ही ज्यादा खतरनाक मिसाइल है, जो किसी युद्ध के रुख को बदल सकती है। इसके साथ ही समय की जरूरत के हिसाब से इसे अपग्रेड भी किया जा सकता है, क्योंकि आज जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, उसके मुताबिक ज्यादा से ज्यादा ताकतवर मिसाइल का होना किसी भी देश के लिए जरूरी हो जाता है। वहीं भारत को तो पाकिस्तान और चीन से हर वक्त सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं ब्रह्मोस मिसाइल भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार है। ये मिसाइल ही भारत को उसकी जीत के करीब पहुंचा सकती है। इसके साथ ही चीन की ओर से पूर्वी लद्दाख सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों की तैनाती के जवाब में भारत ने भी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी मारक क्षमता बढ़ा दी है। इसके लिए यहाँ के 9 वज्र तोपों की तैनाती की गई है। दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस और K9 वज्र के लिए चीन का डर भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार बन सकता है, और यही कोशिश भी की जा रही है कि ये डर हमेशा बना रहे। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।